चीज कर सकते हैं। नारायण नगर बोर्ड दिखा है तो स्पेस नारायण नगर बोला जाता है। लाइफ में तो मेरे रूल रेगुलेशंस ये हैं कि मैं ज़्यादा स्ट्रेस लेना पसंद नहीं करता हूँ। जो चीज़ मैं कवर अप कर सकता हूँ उतना मैं काम करता हूँ, और जो चीज़ नहीं कर सकता तो उसको मैं डिले कर देता हूँ नेक्स्ट टाइम के लिए, तो प्रेशर नहीं देता हूँ। तो एडवेंचर हो चाहे बाइक राइड हो, वेयर हेलमेट और सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ आप ये चीज करें तो बहुत ही बेनिफिशियल रहता है आपके लिए। और यहाँ पे देखे तो हमारी भारत सरकार ने और रोड डिपार्टमेंट जो कि गवर्नमेंट है बोर्ड लगाए हैं पूरी सावधानी के लिए, और देखें तो यहाँ बहुत ही मजा आ रहा है। और अभी देखें तो बहुत शानदार है, धूप है और थोड़ा सा हमने ब्रेक लिया है। और यहाँ देखें तो क्राफ्ट की दुकानें हैं काफी अच्छी यहाँ पे, मैं देख पा रहा हूँ आर्टिस्ट हैं यहाँ। तो ये देखें तो ये सारा कुछ इन्होंने बनाया है वुडन का, एक अपने घर के लिए खरीद सकते हैं। सरिया ताल लेक से वो प्रख्यात है, तो मैन मेड वो लेक है, तो कभी पास्ट में लगता है उसे देख के, मगर ये कन्फर्म्ड हिस्ट्री नहीं है। तो पास्ट में किसी ने पानी रोक के जैसे यहाँ पे ये लेक किया है, तो अब इनोवेट करके सरकार ने इसका नाम सरिया ताल इसका नाम अब रखा है। तो ये देखें तो यहाँ पे काफ़ी कुछ वाटर एक्टिविटीज होती हैं। देखिए जैसे मुझे याद है तो मैं यहाँ स्विमिंग करता हूँ, इसमें हम किनारे से करते थे तो इतना गहरा भी नहीं था ये, और अभी भी नहीं आओगे यहाँ पे काफी लोगों ने इस लेक से अच्छा वेदर है बहुत ही।
देख रहे हैं। वुडलैंड वाटरफॉल ये है, आप देखे तो इसको रिसेंटली रिनोवेट करके प्रॉपर एक नेम दिया है। इन्फॉर्मेशन है बोर्ड से रामनगर यहाँ से 4 किलोमीटर, काठपुतला 37 और बंदेरहान 7 किलोमीटर, तलाडुंगी 25 किलोमीटर। तो हल्द्वानी काठगोदाम जाने वाली यात्री की बस सामने को कंटिन्यू कर, तो इधर की तरफ आ रही है, तो और तलाडुंगी जाने वाले इधर को कंटिन्यू करें, तो कुछ ऐसा ये रास्ता है आगे। तो प्रोफेशनल लैंग्वेज में जो कि रोड लैंग्वेज रहती है, तो अभी मुझे नैडी सर ने इन्फॉर्म किया कि ये बाईपास कहलाते हैं इस सड़क को, तो यहाँ से ये बाईपास है फ्रेंड्स। और वाओ, मैं फर्स्ट टाइम इस बाईपास से, जी 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 हाँ, ये हल्द्वानी निकल रहा है बाईपास सीधा जी, तो ये आगे की तरफ आपको कनेक्ट करता है हल्द्वानी नैनीताल रूट में, तो उसके आप कहीं से भी जा सकते हैं, अल्मोड़ा और मुक्तेश्वर उस सड़क को भी आप मूव कर सकते हैं। तो देखिए, तो मैं प्रकृति में और मैं एकदम वाओ कह रहा हूँ, खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। तो ये देखिए क्या ये शानदार एकदम, ये पेड़ शानदार यहाँ से हुआ है, और मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे अभी ट्रैवल कर रहा हूँ, आज पहली दफ़े मैं सर के साथ आया हूँ इधर। बहुत ही अच्छा यहाँ पे क्रिएट किया है रोड को, और ये फॉरेस्ट एरिया भी काफ़ी शानदार है। अभी हमने लिया है इस जगह पे ब्रेक, और आप देखे थे काफ़ी सुंदर जगह है यहाँ पे, और वो उस सामने जहाँ पे सर जी बैठे हैं वहाँ पे हमने सारा अपना सामान रख दिया है। और ये जगह का मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है व्यू, तो ये देखें तो कुछ इतनी शानदार ये जगह है, और काफ़ी मुझे इस तरफ से बर्ड की आवाज़ें भी आ रही हैं, तो ऐसा कुछ है अभी का ये सीन। तो आइए व्यूवर्स, समाप्त करते हैं आज का वीडियो यहीं पर, और आशा करता हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। और चलिए, बहुत जल्द मिलूँगा अपने नए वीडियो में, और ऐसे ही देखते रहिए आप लोग मेरे वीडियोस, और आप लोग अपना ध्यान रखिए। तो सामने की तरफ आप आसमान में देखे तो ये अभी एक नई सी चीज़ नज़र आई है, तो मे बी ऐसे रॉकेट से ही होते हैं, साउंड भी नहीं है उस पर, और ये बस अपने पीछे ये धुएं की लाइन सी बनाता हुआ जा रहा है, तो अभी इस लोकेशन से नज़र आ रहा है ये पास की लोकेशन के ऊपर, कलाडुंगी के ऊपर एरिया में है ना सर, ये रामनगर एरिया में उधर, और भी बहुत दूर हो गए थे। बढ़ता चला जा रहा है, आपको मूवमेंट नजर आ रही है, तो ये यहाँ तक पहुँच गया है अभी तक, लेकिन पीछे बस कहीं नहीं चल रहा। The red bill blue make पाइप बर्ड। नैनीताल शहर वापसी के दौरान रास्ते में बाईपास के यह दो पुल की तस्वीरें मैंने ली हैं।